तो भाई साहब ये 200 रुपए की टिकट ली है हम दोनों की, 100-100 रुपए की। ये जो पैलेस है उसका बैक साइड है आई थिंक, तो काफ़ी घूम के आना पड़ा है हमें। 5 मिनट लग गए हमें बाइक पे। तो अभी लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा, उसमें पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी मांडव के बारे में, ये जो जहाज किला किसने बनाया, क्या बनाया। तो देखते हैं, आए हैं तो थोड़ा हिस्ट्री पता होनी चाहिए मांडव की। बहुत ही खूबसूरत है यार ये देखो, काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है, बस इसी तरह मेंटेन रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सामने जो आप इमारत देख रहे हैं इस पे ये सारा शो अभी दिखाया जाएगा, साउंड एंड लाइट शो को। प्रियो और सज्जनों, दास्ताएं मांडू एक ध्वनि और प्रकाश प्रस्तुति में आपका स्वागत है। कृपया अपने मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ कर लें। नदी नर्मदा के नीर में चंबल का बीहड़ बहाव, माही और बेतवा का पानी और सोत्रिस्वनी शिप्रा का पवित्र जल अगर घुल जाए तो बनता है मालवा का रंग। कालिदास की कविता में भर्तहरि का दर्शन, आर्यभट्ट की गणित और वारह मेर का ज्योतिष मिला दें तो बनता है मालवा का ढंग। अवंतिका उज्जैनी के विक्रमादित्य की न्यायप्रियता में, धार के राजा भोज की लोकप्रियता और सुल्तान गियासुद्दीन की विनोद प्रियता को जोड़ दें तो बनता है मालवा का अंग। एक गुर्जरी चारवाहन को अगर एक सुल्तान से, एक गाने वाली के सुरों को एक बहादुर के शौर्य से, रागभूत को राग कल्याण से यानी रानी रूपमती को अगर बाज बहादुर से मिलवा दें तो बनती है मालवा की तरंग। बुंदेलखंड के ठीक नीचे विंध्याचल पर्वतों के ऊपर और बाएं गुजरात और मेवाड़ के दाएं बसा मध्य भारत का यह हिस्सा मालवा कहलाता है। यह कभी ज्वालामुखी की कोख से पैदा हुआ था। यही राज है यहाँ की काली मिट्टी का, जिसपे उगने वाले विशाल बेहंगम जंगल कभी डायनासोर के घर हुआ करते थे। ये जमीन इतनी जरखेज थी कि इस भूमि ने जाने कब से उत्तर के मौर्य शासकों और गुप्त साम्राज्य को, दक्षिण के सातवाहन और चालुक्य सम्राटों को, खलजी और गुलाम वंश के दिल्ली के सुल्तानों को, मुगलों और मराठों को और फ्रेंच और अंग्रेजी सैलानियों को भी बार बार अपनी तरफ खींचा है। इनमें से हर एक के लिए मालवा को अपनाए बिना हिंदुस्तान का अर्थ अधूरा था। संस्कृत में मालव का अर्थ होता है श्री क्षेत्र, यानी लक्ष्मी जी का स्थान। और यही ठीक 1000 साल पहले मालवा के सबसे नामी राजा राजा भोज ने वाग देवी यानी सरस्वती की एक अप्रतिम प्रतिमा भी बनवाई थी। कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहती, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही स्थान है मालवा। कोई नगर कोई कोर्ट पूरे मालवा में अपनी सुंदरता, अपने स्थापत्य, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपने संगीत और अपनी नर्मदा की अप्रतिम हरी भरी घाटी को निहारते तालाबों, झीलों, महलों, मंडपों, मकबरों, मस्जिदों से सजी पत्थर पर तराशी एक खूबसूरत कविता का नाम है मांडू। कहते हैं 6वीं शताब्दी के दौरान एक बार इस पावन भूमि पर काम करते समय एक किसान को अपने खेत में एक अजीब पत्थर दिखा। जब उसने अपनी खुरपी से उस पत्थर को उखाड़ना चाहा तो अचानक उसकी लोहे की खुरपी सोने की हो गई। जब वो किसान उस पत्थर को एक लोहार के पास ले गया तब लोहार ने उसे बताया कि यह तो पारस पत्थर है जिसके स्पर्श भर से लोहा सोने में बदल जाता है। ईमानदार लोहार ने तुरंत जाकर वो चमत्कारी पत्थर अपने राजा आनंद देव राजपूत को समर्पित कर दिया। उस परोपकारी राजा ने पारस पत्थर से जितना सोना बनाया सब अपनी जनता के भले में लगा दिया और उसी पत्थर के प्रताप से 12 बरस के अंदर ही
उसने मांडू में पहला दुर्ग खड़ा किया। 8वीं शताब्दी में मांडू का किला भारत का सबसे बड़ा कोट था और आज भी ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसकी दीवारों का दायरा 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पूरा इलाका 75 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है और यहां की मिट्टी आज भी सोना उगलती है। शायद इसी कारण उसी समय से दिल्ली से दक्षिण और उत्तर से पश्चिम में गुजरात जाने वाला हर सारथवा, हर तिजारती कारवां, हर फौजी लश्कर, हर हिंदू जैन बौद्ध तीर्थयात्री, हर सैलानी, हर व्यापारी इस तिराहे पर बसे मांडू को छुए बिना नहीं गुजरा है। विक्रम संवत 612 या सन 555 ईस्वी से ही इस स्थान पर जैन हिंदू प्रतिमाओं, गुफाओं, मंदिर और मंडपों के अवशेष मिलते हैं। चंद्रसिम्हा नाम के एक जैन व्यापारी ने तो यहाँ इतने सारे हिंदू जैन मंदिर मंडप बनवाए थे कि शायद उस समय यह स्थान जैनियों के सबसे पवित्र तीर्थ पालीताना के जैसा लगता होगा। वो ध्वज, वो मंदिर, वो मंडप भले ही वक्त के साथ मिट गए पर उन मंडपों से मिला हुआ नाम मंडप दुर्ग ही मांडो से बदलते हुए आज मांडू के नाम से मशहूर है। आठवीं शताब्दी तक जैन व्यापारियों को संरक्षण और इस पूरे क्षेत्र में शासन देने का काम गुर्जर प्रतिहारों से होते हुए क्षत्रिय परिवार बहादुरों के हाथ में आ गया था और इसी वंश से थे मालवा ही नहीं संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध विलक्षण सम्राट, सैनिक, कवि, लेखक, चिकित्सक, वैज्ञानिक और व्याकरण विशेषज्ञ राजा भोज। यहां से सिर्फ 30 मील की दूरी पर थी उनकी राजधानी थार, जहां से उनका शासन उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक, पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती तक फैला हुआ था। पर वक्त के साथ सत्ता के बदलाव का असर मालवा की सरजमी पर भी पड़ा। दिल्ली में अपने ससुर की याद में बन रही कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाली वीरांगना रजिया सुल्तान के वालिद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1227 में मालवा पर धावा बोल दिया और उज्जैन को फतह कर लिया। किंतु राजा देवपाल ने उनके साथ एक संधि की जिसकी वजह से मांडू पर आंच नहीं आने पाई। 1293 में जलालुद्दीन खलजी की फौज मांडू पर हमला करके यहां का बेशकीमती खजाना लूटकर दिल्ली तो ले गई पर इसके बावजूद मांडू हिंदू राजाओं के अधीन ही रहा। सन 1305 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी का सेनापति मुल्तानी एक रात जालसाजी से मांडू के किले में दाखिल हो गया और उसने परमार राजा महालक देव का कत्ल कर दिया। अब मांडू दिल्ली सल्तनत के कब्जे में था पर मालवा की मिट्टी ने गुलामी को कभी गवारा नहीं किया। 14वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत से मांडू बजा दिया और यहीं से चमक उठी मांडू की किस्मत। दिलावर खान की बनाई मस्जिद आज भी मालवा के उस बहादुर सुल्तान को सलाम करती है। दिलावर खान के बेटे होशंग शाह ने गद्दी संभालते ही मांडू को मालवा की राजधानी बना दिया और अब होशंग शाह ने मांडू की खूबसूरती में चार चांद लगाने का आला काम शुरू कर दिया। होशंग शाह ने मांडू किले की दीवार को और मजबूत बनाने, नए दरवाजे खड़े करने, जामा मस्जिद, मदरसे, तालाब, बावड़ियां, बागान और अपने लिए एक संगे मरमर का ऐसा मकबरा बनवाने का काम किया जो आगे चलकर दुनिया के सबसे नामचीन मकबरे ताजमहल के लिए प्रेरणा बना। अब तक मांडू को एक नया नाम मिल चुका था, शादियाबाद, यानी खुशियों का शहर, आनंद की नगरी। खुशियों का यह शहर हर इंसान को खुशियां बांटता था
फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई सूफी। होशंगशाह के बाद उनके बेटे ने ताज तो पहना, पर असल में मांडू की गद्दी संभाली महमूद खलजी। 1436 में मांडू में तख्त नशीन होते ही महमूद खलजी ने अपने सल्तनत की सीमाएं बूंदी, कोटा, रणथंबौर से लेकर दक्षिण तक और गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैलानी शुरू कर दी। उनके वक्त में मांडू ने अदब और तमीरात में ऐसी तरक्की की कि मांडू की मिसाल शिराज और समरकंद के साथ दी जाने लगी। दूर दूर के देशों से राजदूत अब मांडू भेजे जाते, जिनमें तैमूर के खानदानी और मिस्र के खलीफाओं के नुमाइंदे भी शामिल थे, जो तमाम तरह के मलमल के साथ, जैसे अरबी घोड़ों, परंदों, गाने नाचने वाली रक्कासाओं, गुलामों और फारसी बोलने वाली मैनाओं का तोहफा लेकर मांडू के दरबार में हाजिर होते थे। पर वक्त के साथ ना तो ये समा रहा और ना रहे सुल्तान महमूद खलजी। 16वीं शताब्दी के मध्य में एक बार फिर मांडू की कहानी में एक नया मोड़ आया और एक नया नायक भी। हुमायूं और शेरशाह सूर के बीच चल रहे बहर के दौरान दोनों ने ही मांडू पर अपना अपना परचम फहराया और यहां डेरा भी जमाया। 1542 में जब शेरशाह सूर सल्तनत पर काबिज हुए तो उन्होंने शुजा खान को अपना नायब सूबेदार बनाकर मांडू भेजा। शुजा खान के बाद उनका बेटा मलिक बैजाद मांडू की गद्दी पर बैठा। उसकी तलवार की झंकार ही नहीं, उसकी गायकी की लयकार के भी उतने ही चर्चे थे। वो तेजी से अपने मुखालिफ लश्करों पर बाज की तरह झपटता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाज बहादुर। कहते हैं एक रोज बाज बहादुर नर्मदा के किनारे शिकार खेल रहा था कि एक हिरन का पीछा करते करते वो धर्मपुरी नगर के पास पहुंच गया। पर वहां उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसके जादू से वो हिरन को भी भूल गया। आवाज का पीछा करते हुए जब वो आगे बढ़ा तो एक बरगद के नीचे उसने देखा कि एक रूपसी गुर्जरी राग तोड़ी का एक नया रूप गा रही थी जिसमें पंचम स्वर नहीं था। बाज बहादुर भी उस सुंदरी के सामने उसी तरह ठगा सा खड़ा हो गया जैसे बहुत से परिंदे और चरिंदे, और वो हिरन भी मुग्ध होकर उस रूपसी का मधुर गान सुन रहा था। जब उस रूपमती गुर्जरी की नजर बाज बहादुर पर पड़ी तो वो भी उसके रूप पर मोहित हो गई। बाज, हम अपने दिल से विवश हैं। ये दिल आपसे प्रेम करता है और माँ रेवा की अर्चना। आपके पास आते हैं तो नित्य प्रभात माँ के दर्शन से वंचित रह जाएंगे, और अगर नहीं आते तो इसमें क्या मुश्किल है, हम अभी इसे हल किए देते हैं। रेवा कुंड का निर्माण किया जाएगा, कृत्रिम जल मार्ग से होते हुए मां रेवा का जल आपके निवास तक पहुंचेगा। यूं आप मां रेवा के दर्शन कर पाएंगी और हम आपके। अब रूपमती को नर्मदा के दर्शन भी होते और बाज बहादुर के अपने महल से भी रूपमती की हवेली साफ नजर आती थी। इस तरह दोनों के मिलन से शुरू हुआ मांडू मोहब्बत और मौसकी का एक नया अध्याय। मगर मोहब्बत का ये राग फतेहपुर सीकरी में बैठे बादशाह अकबर को रास न आया। अपनी आंखों में पूरे हिंदुस्तान को फतह करने का ख्वाब सजोए मुगले आजम का अगला लक्ष्य था मांडू पर कब्जा करना, और अकबर ने अपने एक सिपहसालार आदम खान को पूरे लाव लश्कर के साथ मालवा की तरफ रवाना कर दिया। हम मांडू जाएंगे सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक दारुल सल्तनत है, बल्कि इसलिए भी कि वहां है हुस्न का कोहिनूर, नाम है रूपमती। सुना है जिस नफासत से उसका रूप तराशा गया है उतनी ही नजाकत भरी अल्लाह ने उसे आवाज बख्शी है। हम इस
दीदार को बेताब है। उसने सीधे आकर अपना डेरा जमाया सारंगपुर में। खबर मिलते ही रूपमती ने पूरे रस्म और रिवाज के साथ बख्तरबंद पहनाकर कवच से सजाकर अपने वीर बाज बहादुर को युद्ध के लिए रवाना किया। सुल्तान, हम गिर चुके हैं, मैं मोर्चा संभालता हूं, आप मेवाड़ की ओर कूच करिए। इंशाल्लाह जिंदा रहा तो फिर खिदमत में हाजिर होऊंगा। ठीक है। बाज बहादुर तो किसी तरह अकबर की सेनाओं के चक्रव्यूह से बचकर मेवाड़ की तरफ रुक कर गया, मगर आदम खान ने रुक किया मांडू की ओर। बाज बहादुर हार कर चले गए परदेश, आदम खान तुमसे मिलने का भेज रहे संदेश। खबर जब रूपमती को मिली तो उसने आदम खान से सिर्फ एक दिन की मोहलत मांगी। रात को उसने उसे मिलने के लिए महल में बुलवाया। बेचैन आदम खान ने इंतजार किया और रूपमती ने सोलह श्रृंगार। इधर आदम खान ने महल में कदम रखा और उधर रूपमती जहर का प्याला मुंह से लगा के मौत के आगोश में खो गई। अकबर ने चित्तौड़ के हिंदुराज में जौहर की ज्वाला देखी थी। इस बार एक मुस्लिम राज में भी उसे हार न मानने वाली एक पतिव्रता वीरांगना का सामना करना पड़ा। उस रूमानी जमाने, उनके सुरसंगीत और उन प्रेम दीवानों की याद में सारंगपुर के करीब ही मौजूद है रूपमती बाज बहादुर का मकबरा। जहां की शामें सुहानी, रातें रंगीन थी, वहां अब उल्लू बोलते हैं, फिर क्यों दुनिया वाले शान और शौकत को चमक धमक से तोलते हैं। ये कहने वाले अकबर को क्या पता था कि कोई और नहीं, खुद उनका बेटा जहांगीर मांडू पर ऐसा फिदा होगा कि वो बार बार यहां आएगा और महीनों महीनों यहीं बिताएगा। जहांगीर खुद लिखते हैं कि 14वीं शाबान यानी शबे बारात की रात मांडू में जितनी हसीन थी उतनी मैंने कहीं नहीं देखी। तालाब के किनारे नूरजहां बेगम का महल ऐसी रोशनियों, आतिशदानों और फानूसों से सजा था कि लगता था पानी पे एक आग सी तैर रही हो। सन 1617 में जब जहांगीर 7 महीनों के लिए मांडू आए तो लंदन से अपने दरबार में आए बर्तानियों के राजदूत सर टॉमस रॉ को भी अपने साथ मांडू ले आए थे। यही पहली 2 सितंबर की रात उनकी 45वीं सालगिरह मनाई गई थी, जिसमें शरीक होने के लिए वली अहद शाहजहां भी दक्कन से मांडू आए थे। मांडू में मनाई गई जहांगीर की जन्मदिन की कहानी टॉमस रो ने कुछ यूं बयान की है। बादशाह सलामत सोने की तख्त पर नुमाई थे, जिस पर बेहिसाब हीरे जवाहरात जड़े थे। फिर उन्हें एक सोने के तराजू में बिठा के उन्हें 6 बार चांदी से ढल गया, और फिर एक एक बार सोने की डेरियों, जवाहरातों की बोरियों, जरी के रेशमी कपड़ों, किमखाब के जोरों, सूती लिबासों, बेश कीमती सामान ब्राह्मण को दान में दे दी गई। इसके बाद जहांपनाह ने अपने हाथों से सोने चांदी के पत्थर से जड़े मेवों अपने अमीरी दरबारियों में फेंकने शुरू कर दिए। सब तरफ अफरा तफरी मची थी और हर कोई उन्हें लूट रहा था। मुझे एक कोने में खामोश कर देख बादशाह ने अपने पास बुलाया और मेरे दामन उन बेश कीमती मेवों से भर दिया। ये तो वक्त था दिल्ली सुल्तान जहांगीर का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली का दबदबा ही खत्म होने लगा और मांडू को मराठों ने जीतकर अपना बना लिया। मल्हार राव होलकर से होते हुए मांडू पेशवा बाजीराव के कब्जे में आ गया। ये किस्मत का पलट खेल ही था कि एक बार फिर परमार वंश के वंशज मांडू के मददगार मसीहा बन गए। समय अपना एक चक्र पूरा कर फिर उसी स्थान पर पहुंच गया था
जहां से मांडू की कहानी शुरू हुई थी। पीपल के पुराने पेड़, बूढ़े बरगद के वृक्ष, खोरसानी इमली के अमर दरख्तों के साथ साथ अनंत काल से बहती नर्मदा ने मालवा को पैदा होते और मांडू को बनते देखा है। अगर आप इनकी खामोश जबान सुन पाए तो सब यही कहते हैं, भारत का मुकुट है मालवा और मांडू है उसमें जड़ा हरियाला पन्ना। एक बार जो देखो इसकी चमक तो फिर करोगे आने की तमन्ना। आप भी फिर आइएगा जरूर, हिंदुस्तान का दिल आपका इंतजार करेगा। Thank you.